हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछली बार ये डिज़ाइन देखा था जो कि हमने बनाया था, है ना, अब इसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है, मतलब कि अगर हम आर्म पे एक डिज़ाइन बना लेते हैं तो आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसको फिलिंग के लिए आप बीच में एक नेट पैटर्न डाल सकते हो। जैसे कि आप नीचे भी, जैसे हमने ऊपर एक डिज़ाइन बनाया ना, ऐसे भी हम नीचे एक ब्यूटीफुल लेयरिंग का डिज़ाइन, इसी तरह से ही फ्लावर का डिज़ाइन बना लेते हैं। ऊपर हमें थोड़ा थिक बनाया है, नीचे हम थोड़ा पतला बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी विश है, अगर आप इसी तरह का सेम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। बस ऊपर लीव्स वगैरह मत देना, जिससे कि डिज़ाइन के पैटर्न को जोड़ने में आसानी हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे एक फ्लावर बनाया है, ऐसे ही हमने इसके साथ ही जुड़ता हुआ एक और फ्लावर पैटर्न जो है वो बना लेना है। आपने ये इसी तरह से ही एक लाइन का, यानी कि क्रिएट करनी है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमें जितना डिस्टेंस हमें छोड़ना है उतना छोड़ सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली ही हमें काम करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के, एक सिंपल फ्लावर बनाया है, एक फीलिंग पेटल वाला फ्लावर बनाया है, तो अलग अलग फ्लावर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी विश है कि आप किस तरह से कौन सा फ्लावर क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, अब नीचे बना रहे हैं, यहाँ पे ऊपर हमने थोड़ा ज़्यादा लेयरिंग में बनाया है, ज़्यादा टाइट बनाया है। नीचे हम जो है एक सिंपल सा फ्लोरा पैटर्न डिज़ाइन कर रहे हैं लीव्स के साथ। तो ये आप क्या कर सकते हो, आसानी से बना लोगे। और इसको जो है दिखाने के लिए हमें आप साथ में लीव्स या इस तरह की चीज़ें ज़रूर ड्रॉ करें, फ्रिल्स, जिससे कि आपका जो डिज़ाइन में एनहेंसमेंट आए, यानी अलग अलग तरह के डिज़ाइन हमें उसमें फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल, इससे ज़्यादा हम इसको ज़्यादा नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। अब इसको, इस जो हमने डिज़ाइन बनाया ना, इस डिज़ाइन को हम जोड़ेंगे इसके साथ, ऊपर वाले डिज़ाइन के साथ। अब देखिए, हम जब आम का जो डिज़ाइन बनाते हैं, ये क्या करता है, दो डिज़ाइन एक दूसरे को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कौन सा पैटर्न, नेट पैटर्न। तो यहाँ पे नेट पैटर्न का यूज़ करता है। सबसे पहले हम जो आउटलाइन है ना, जो हमें लग रही है कि आउटलाइन नहीं है, लीव्स में जो डिज़ाइन है वो नहीं है, उसको करके उसके बाद इसके ऊपर एक आउटलाइन दे दें। अब ये क्या करेगा, ये जो हमने ऊपर आउटलाइन दे रहे हैं, ये इस डिज़ाइन को सेपरेट रखेगा, हम इन दोनों के फ्लावर्स के बीच के डिज़ाइंस के। अब ये इनको भी, जितना हमने बनाया है उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए, एक बिल्कुल ही पतली लाइन से हमने सेपरेट कर लिया। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए आपने यहाँ नेट पैटर्न बनाना है, एक नेट टाइप का फॉर्मेशन बनाना है। और नेट की फॉर्मेशन बनाने के बाद इसमें आप लीफ, डॉट्स और इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, हमने यहाँ पे नेट पैटर्न बना के यहाँ पे लीफ्स वगैरह का यूज़ किया है। तो देखिए, इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं और आम का आपका पूरा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन होता है किसी भी डिज़ाइन को प्रिपेयर करने के लिए। तो अब हमने दोनों डिज़ाइंस को एक साथ जोड़ दिया है, और जिससे कि ये एक जैसे लग रहे हैं, कि एक ही फॉर्म में लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।